नावर तहसील से 14 किलोमीटर और तिलगारा से महज 1 किलोमीटर पश्चिमी में तिलगारा कनकपुरा के बीच नदी के तट पर अति प्राचीनतम कलेश्वर महादेव मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूर्ण होती है। श्रावण मास में यहाँ प्रतिदिन बाबा भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया जाता है। श्रावण माह के कलेश्वर महादेव मंदिर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। बताया जाता है कि इस मंदिर स्थापना वर्षों पूर्व एक राजा ने करवाई थी, जो युद्ध में हार जाने के बाद अपना राज्य छोड़कर अपने साथियों के साथ यहां आ गया था। राजा की रानी शिवजी की परम भक्त थी, इसी के चलते राजा ने इस शिव मंदिर की स्थापना करवाई थी। बुद्धिजीवियों के अनुसार मंदिर के सामने की नदी रानी बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध थी, जहाँ कितनी भी अकाल आने पर पानी खत्म नहीं होता था, जो कि वहाँ अब पूरी तरह विलुप्त हो गई है। जानकारी के अनुसार यहाँ कुछ वर्ष पहले खुदाई में 5 शिवलिंग निकले थे, जिनकी पूजा अर्चना कर मंदिर में स्थापना मंदिर के समीप स्थापित किया गया। राजेश चौहान की रिपोर्ट। महादेव मंदिर समिति तिलगारा विगत 3-4 वर्षों से मंदिर 2 उत्सव मनाता है। एक वर्ष में एक शिवरात्रि का रहता है, जो 5 दिवसीय पंचकुंडात्मक यज्ञ का होता है, और एक श्रावण प्रति सोमवार को महाअभिषेक होते हैं, वह भंडारा होता है। मंदिर समिति विगत कई वर्षों से ऐसे काम करती आ रही है, और मंदिर यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर जो भी मन्नत लेते हैं वो पूरी होती है। तो बाबा कालेश्वर महादेव के आशीर्वाद से सभी सब मंगल कुशल रहे, यही विनय। मंदिर के बारे में क्या जानकारी दे सकते? ये मंदिर बहुत पुराना है, करीब करीब हमारे परिवार से 4-6 पीढ़ी से पूजन हम ही करते आए हैं। अच्छा। करीब करीब 800 वर्ष पुराना यह मंदिर है, और यहाँ की जो भी व्यवस्था है गांव के हिसाब से होती रहती है। यहाँ की समिति है, ट्रस्ट है, जो भी चलाते हैं, और सारी व्यवस्था गांव के प्रति ही होती है। हर सोमवार भंडारा प्रसादी होती है, और आने जाने वाला का तांता करीब करीब दिन भर चलता है। बहुत समय से ये क्रिया चल रही है यहाँ पे। रास्ते के बारे में क्या कहेंगे आप? रास्ते में तो पंचायत वाले ने तो बहुत अच्छा रास्ता करवा दिया था, पूर्व से ही करवा दिया था कि सावन लग रहा है, पर कुछ अज्ञात लोगों ने रास्ता बिगाड़ दिया है। इसके लिए गांव वाले से अनुरोध है कि सब एकत्रित होकर इसका कोई भी निदान निकाले।